morning. So at 4:54 we have started from Bullet Hill Lounge, the epic place in Kota that we had the absolute privilege to stay yesterday. We are now on our way to Udaipur, and the plan is to go to Udaipur, and there is this apparently amazing restaurant where you can have breakfast. And we are on our way. We are 5 hours 20 minutes away from there, so right now it's 4:55, and we should be there by 10:15 according to Google. We'll have breakfast there and then our return journey to Mumbai starts. It's already started. I mean, yeah, so because Udaipur is on the way, so the journey has already started. And yeah, so we expect to do what we did in the on day one again, which is about 1000 kilometers in a day, and which is why the early exit from Kota. We just read about the good news that this deadline of FASTag got postponed from 1st December to 15th. Yeah. We had a lot of issues with that, our FASTag and so on. So don't need to worry about it. We can enter Mumbai, and many people will be able to enter Mumbai. So I'm not expecting much queues and all that fighting, any kind of scenarios. At the toll. Yeah. So the entry of Mumbai, and should go smoothly even if we are late, say after 12 and we enter on 1st of December, it should not be an issue. So let's see how it goes. Okay, cool, see you next update in Udaipur. Bye. तो अभी सुबह के कुछ 6 बज रहे हैं. अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं पे भी चाय नहीं मिल रही है, सब सो रहे हैं. ये राजस्थान में लोग बहुत लेट उठते हैं. जल्दी से जाते हैं. एंड मैंने एक घंटा चलाई है, अभी केदार चलाएगा. सब सुनसान है. सो कुछ एक्सीडेंट हो गया है बाइक का, पूरा भीड़ जमा हो गया है. Kedar has gone to help. Let's see. तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं. अभी बॉर्डर क्रॉस किया हमने ऑफ राजस्थान एंड गुजरात. तो अभी भी हम लोग काफ़ी वो हैं, डिलेड है. 2 बजे कुछ पहुँचेंगे, 2 AM इन मुंबई. It's very tiring journey, but liking it. So let's see how it goes. पूरा सा इतना नींद नहीं मिला है, and काफ़ी like we want to go home as soon as possible. It has been tiring journey. इधर पानी लेने गए हैं, पानी लेके आए. Hello guys, it's 3 o'clock, and हम लोग का अभी काफ़ी हेक्टिक रहा है. अभी तक सुबह से चला रहे हैं, 4 o'clock से, 5 o'clock से. और गुजरात, वी हैव एंटर्ड गुजरात जस्ट नाउ. बॉर्डर चेक पोस्ट है ये पीछे साइड, यू कैन सी. हाँ, तो वहाँ पे क्रॉस किया हमने वो चेक नाका, और अभी हम आ गए हैं थोड़ा आगे. पानी ले लिया, और अभी भूख तो नहीं लग रही है. अभी एक पेट्रोल पंप पे हम लोग ने गाड़ी रोक के एक घंटा नींद भी कर ली. भी कर लिया है थोड़ा सा. तो या न्यू एक्सपीरियंसेस. अभी मस्त लग रहा है, फ्रेश. अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस. आई एम स्टार्टिंग द इंजन. और अभी कुछ 600 किलोमीटर दूर है हम फ्रॉम मुंबई. मुंबई मेन 2 बजे के आसपास पहुंचेंगे, एंड फिर बीच में और एक शायद स्टॉप ले लेंगे डिनर के लिए. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. देख जीता जी मैं मरे
ऑर्डर किया है। अभी हम लोग खाना खा के निकल रहे हैं वडोदरा के फूड, वही तो एक मॉल है ये गैलेक्सी, गैलेक्सी मॉल में से। और हम लोग बहुत लेट है, लाइक 7:15 हो रहे हैं मिनिमम, 7:30 7:15। और हम लोग को 7 घंटे का 400 किलोमीटर जाने का है टू मुंबई। हम लोग 3 बजे के पहले नहीं पहुंचने वाले हैं, हमको पता है, बट चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो बाय। सो वी आर 8 किलोमीटर्स फ्रॉम वलसाड, 200 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। इट इज अराउंड 11 o'clock एंड इट्स द लास्ट लेग एंड आई एम स्विचिंग ओवर टू द पैसेंजर सीट। केदार इज गोइंग टू ड्राइव नाउ and we might reach by 2:15. let's see. so we have crossed Gujarat and entered Maharashtra. we are back. marathi manus jaga zalay kem cho bye bye ata ami mumbai la pochlelo ahe ahe जायला मराठी जी वाट लागली आहे। मराठी माणूस जागा झाले पण मराठी येत नाही, मराठी येत नाही आपल्याला, पण आम्ही आलेलो आहे इथे। आपल्याला आता मराठी माणूस जागा करायचंय, तो आता 2 वाजता पोहोचेल। सिटी बॉर्डर क्रॉस केलेली आहे, जमायला स्टेट बॉर्डर क्रॉस केली